इतनी देर से तुम कहाँ थे, मैं इतनी लेट हो गई। बाबू मेरे बिजनेस आते हैं, क्या करूँ मैं बताओ। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से बैठू, मेरी बॉडी भी कमजोर होगी। कोई बात नहीं बाबू, तू तो मेरी जान है, मैं जिम भी नहीं गई यार। बात नहीं बाबू। अच्छा बाबू तुम गुस्सा खत्म करो, तुम ये बताओ मैं तुम्हारे लिए लेके क्या आया हूँ। गधे की गांड लाए हो तुम, क्या लाए हो? ना बेबी इतनी छोटी बात मत करो, तुम्हारे लिए मैं गधे की गांड लाऊंगा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ लेकर आया हूँ। अच्छा क्या लाए हो दिखाओ, चलो देखो बेबी तुम्हारे लिए गाय वाली टॉफी लेकर आया हूँ, जिन्हें खाकर तुम्हारी बॉडी और मोटी हो जाएगी। मेरे पसंद वाली गाय वाली टॉफी। तुम्हें बता बेबी, मेरी बॉडी का राज एक टॉफी है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा बेबी। हाँ बेबी। एक बात बताओ, दो पूछो, एक क्यों पूछते तुम, दो पूछो। तुम इतनी महंगी महंगी चीज लाते हो, कहाँ से लाते हो, कहाँ से आता है तुम्हारे पास इतना पैसा? बेबी मेरा बिजनेस है। किस चीज का? बेबी बस यही बात पूछ लियो, खाने को मैं ला रहा हूँ ना, तो तुम से खाओ। मोसू एक पंडित जी ने बोली, अगर तू अपने बिजनेस के बारे में किसी बताओ तो तेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। अच्छा जी, बताना मत किसी को, ये सीक्रेट है मेरा। अच्छा बेबी। हाँ बेबी। इन बातों को छोड़ो, अब ये बताओ तुम मेरे पापा से शादी की बात करने कब आ रहे हो? पागल हो रही है क्या? क्या होगा, तेरे पापा शादी करूंगा मैं? बेबी मेरा मतलब है मेरे पापा से बात करोगे जब ही तुम मुझसे शादी करोगे। अच्छा बेबी, अपनी शादी की बात करने करिए। हाँ। बेबी मोबे कहाँ इतना टाइम, तो बताओ मेरे कितने बिजी चल रहे, मैं कितना बिजी रहूँ, तू ही बात कर लियो। चलो बेबी मैं देख लूंगी, तो मैं ही बात कर लूंगी। ठीक है मेरी जान, तू तो मेरी कमला है। अच्छा बेबी मैं लेट हो रही हूँ पापा से, बस मैं 15 मिनट का टाइम मांग आई थी। ठीक है मैं चल रही हूँ। ठीक भाई, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ बाहर तक। चलो ठीक। प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा मेरी जान, सेंट लगाई दिखे और बड़ी महका रही है। 1500 रुपया को है दीवाना सनम। बेटा आशा। हाँ पापा। बेटा आज तो देखने वाले आ रहे हैं, कहीं जाइए मत ना। ठीक है पापा जी। समझी बाबली गांड लग रहा दिखे, मुंह भी थोड़ा तो लगा है। आप बेटा बता रहा, देख लो कोई बात ना, तेरे बाप भी तो बेटा तेरे लगे, आज भी तेरे बाप जवान है। चलो बेटा किस तौर में पड़ गई जी। बेटा मैं हूँ, बेटा तुम्हारा यू है। मैं हूँ बेटा, आ जाओ भाई, जिंदा बंदा हो तुम लड़ा देख समी साहब, तुम भी आजकल के लंडन ने फेल कर रहे हो, क्या बात है। नौजी तुम्हारी समझन की बात है, तुम्हारी समझन वो डेली देवे रात को। डेली देवे मतलब क्रीम देती है, लगाती है कुछ क्रीम मेरे मुंह पर। समी साहब तुम भी मजाक कर रहे हो। मेरी ससुरे के तो इतनी जल्दी हुई बबुल लेने की, दरबान टाइम तो मैं तो पापा तुमने तो की बैठने की। समर कर समर संदी जी कहा होगा ना, आज कुछ ना, आज बैठ लौंडिया बात लो दिखा देता हूं कैसे। बेटा आशा। हाँ पापा। देखे संदी जी इनको चाय बना देता ना। ठीक है पापा जी, अभी लेकर ही बना के। संदी जी चाय बाय का करोगे, हम तो चाय चाय पी अभी अब जाए तू। ना ना मैं ना चाय मत। बेटा आशा। हाँ पापा। रहने तो समझी जी मना कर रहे हैं, मो ना अलग है जैसा दूध है। बेटा एक काम कर, पेप्सी लिया समझी जी, पेप्सी पी लेंगे समझी जी, पेप्सी तो मंगवा लो। हाँ जी पेप्सी मंगा लो, कोई दिक्कत ना, पेप्सी तो मेरा छोरा बहुत पी वे, कुछ पेप्सी पी वे कोई दिक्कत लो पेप्सी। बेटा आशा देखिए दुकान खुल ली है क्या ना, वो तो लगे ना जैसे दुकान खुल ली हो, खुल ली हो तो ले आइए। ठीक है पापा। मैं कुलदीप, मैं मुंह तो सारा समझी बेटी चोट लगा है, कैसे पेप्सी को मना कर रहा था, दुकान बंद बता रहा, तो कैसे लीचड़ आदमी है, कंजूस ज्यादा क्या भाई। समझी साहब कुछ कह रहे हैं ना, समझी ना कह रहे कुछ भी। समझी जी कोई रास्ता में दिक्कत तो ना हुई आने में? ना समझी जी कोई दिक्कत ना हुई, हमने बोले ट्री वाले से चतुर राम के यहाँ जाना, वहां चतुर के यहाँ उतारे हम, कोई दिक्कत नहीं समझी जी। कहा ट्री में मेरी बेटी को हाथ मांगना, तुम ट्री में आए हो? बैठ जा समझी बैठ जा, तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे टिर्री में पहिया ना होते, टिर्री चलती ना है। एक काम करो तो जाए टिर्री में आयो, वाई टिर्री में चले जाओ वापस। भोचड़ी का जा रहे हो, भेजने पड़ोगे।
इतनी इज्जत से कह रहे चले जाएंगे निकल लो के। A few moments later. पापा जी। हाँ बेटा। एक बात करनी थी मुझे। हाँ बेटा। पापा जी मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। कहा? जी पापा। अच्छा बेटा लड़का करे कहा है? अच्छा बेटा लड़का पुलिस में है? नहीं पापा। बेटा फौज में है? नहीं पापा। तो बेटा डॉक्टर है? नहीं पापा। ओ समझ गो, मेरी बेटी ने कोई बड़ा ही हीरा ढूंढो है। बेटा जज है? नहीं पापा। बेटा आईपीएस है? नहीं पापा। तो बेटा आईएएस है? नहीं पापा। ओ तो बेटा कौन है? पापा उनका खुद का बिजनेस है कोई बड़ा। अच्छा बहुत बिजी रहते हैं वो। मो पता ही, मेरी बेटी ऐसे क्या ना करेगी, आखिर चतुर सिंह की बेटी है, चतुराई तो दिखाएगी ही ना। अच्छा बेटा तो एक काम कर, उन्हें आज आज शाम को ही घर बुला। जी पापा मैं बुला लूंगी आज शाम को ही। ठीक है पापा। तुम के नाम रे भैया तुम्हारी सेटिंग ठीक है डालो कम से कम कंगा गिर गो मेरा रुपया गिर गो कहीं कंगा गिर गो रही मिल गो। हेलो सेटिंग का फोन आ रहा। हेलो हाँ कहाँ है भड़वे? हाँ बेबी कुछ नहीं बेबी ऑफिस में हूँ। अरे यू रोल सीकर समझ रही है? वो दरअसल क्या नाम है यहाँ पर कस्टमर ज्यादा है इसलिए ज्यादा बात आ रही है। तो पे तो अपने घर बात करी नहीं जाती, मैंने अपने पाप से बात कर ली है, शाम को आ जाइए। बेबी मैं शाम को आ जाऊंगा टेंशन मत लो। ठीक है चल। ठीक है बेबी। 2000 years later. हेलो हाँ राहुल भाई कहाँ पर हो यार? यार तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है भाई, मंदिर के पीछे फटाफट आओ यार। हाँ भाई क्या उधर ही हो तुम? अच्छा भाई ठीक है मैं उधर ही आ रहा हूँ। ओके भाई। हेलो भाई। अबे बता क्या बात है भाई? यार तुम मेरे सबसे पक्के दोस्त हो यार, आज तुमसे मैं एक चीज मांगू भाई, मेरा मना तो नहीं करोगे यार? हाँ बता। भाई यार मेरी शादी का मैटर है भाई और मैं भिखारी आदमी हूँ यार, अपनी मुझे गाड़ी के साथ मुझे ले चलो और अपना कोई सेक्रेटरी मेरा बना के उसे मेरे साथ भेज दो। यार तो गाड़ी की बात है तो जान भी मांगे जान भी भाई। चल भाई चला बैठ गाड़ी में। सर यही है घर। क्या हो गया सर? इतना बड़ा घर सर? आप बड़े आदमी हो। भीख में लूंगा। अरे आओ बेटा आओ बैठो। पापा जी नमस्ते बेटा नमस्ते। बैठो बैठो बेटा, आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? एक्सक्यूज मी पापा एक मिनट। हेलो जी हाँ क्या अभी तक तुम बच्चों के अकाउंट में 5 लाख रुपए नहीं गए? सर का बड़ा काम है टाइम। एक काम करो मेरा एक ब्लैंक चेक ले जाओ, उसमें जितना चाहो उतना पैसा भर लो और गरीब बच्चों में बांट दो जल्दी से। सॉरी पापा जी सॉरी, फोन आ गया था वो। कोई बात ना बेटा। वो तो लगा है बहन चो दामाद ज्यादा ही मालदार दिख रहे, गरीबन में 5-5 लाख रुपए बांट रहे हो। जी रुक
वहाँ पता पापा तुम्हें झुकना पड़ता नीचे। मैं नहीं चाहता कि मेरे सेटिंग में पापा नहीं झुके। लो पापा बैठो बैठो सर बैठो बैठो दाम के ऊपर बैठो। हाँ तो पापा जी आप बात क्या कर रहे थे? दामाद जी मैं नो कह रहा हूँ, काम वाम कहाँ करो तुम? पापा मैं सारी बात बोल दी हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी से पहले कह दी ये मेरा सीक्रेट बिजनेस है पापा। ओ दामाद जी तुम तो खामो खामे नाराज हो गए, मेरा कहने का मतलब यू ना बेटा मैं तो बस इतना कह रहा हूँ मुझे रिश्ता खूब पसंद। ठीक है पापा। अंकल जी हम जाए फिर, सर को कॉल वॉल आ रही है, थोड़ा बिजी है ज्यादा। ना बड़ा बस एक बात और पूछनी। हाँ पूछो पापा क्या बात है? एक बात पूछो तुम पूछो। बेटा तुम अगर बुरा ना मानो तो मैं अपनी बेटी कहीं घुमा लाऊं? पापा हम बुरे मानने क्या बात है, बेटी तुम्हारी सेटिंग हमारी घुमा लाओ क्या दिक्कत है? पर पापा जल्दी नहीं है, बिना मैं मन ठीक पापा चल रहा हूँ। भैया भैया तुम्हारी भैया गरीब की बहुत भैया दस का तुम्हारी गरीब की बहुत भैया दे दे भैया अल्लाह के ना भगवान तुम्हारी सेटिंग कुछ ठीक रंग भैया दे दियो भैया दे दे भैया दे दियो दे दे भैया। तू भिखारी भिखारी तो क्या हुआ, बहुत ताना बिजनेस है, क्या दिक्कत है? मैं अपनी बेटी की शादी तो भिखारी से करूंगा। तू भिखारी में मम का कीड़ा पड़ रहे हैं, चूको मारूं देखो क्या दिक्कत है। चल बेटी तो जा चला जा भैंसड़ी के। एक बात याद रखियो, तेरी बेटी का ब्याह मुझ जैसे भिखारी के साथ ही होगा।